नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी, सहयोगी आशीष भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख करते हैं। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। भोपाल जेएमबी मामले में यूपी में एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में दो जगहों पर छापेमारी की गई। एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में यह कार्रवाई की है। डिजिटल डिवाइस, मोबाइल सिम कार्ड, बैंक पासबुक बरामद हुआ है। जेएमबी भोपाल से गिरफ्तार हुए थे 6 सदस्य। कुल 10 गिरफ्तार सदस्यों में 6 बांग्लादेशी हैं। आरोपी बांट रहे थे जेहाद सामग्री। शरिया कानून लागू करने की मंशा थी। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 8,000 रुपया महीना दिए जाएंगे, वो काम सीखेगा भी और पैसे कमाएगा भी। ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना अभी अभी हम चालू कर रहे हैं, हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे कहते हो खुशी है, हमारा बेटा मरा भी बोल रहा था, नीट की परीक्षा पास की, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मैं अपने सभी बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, मेहनत से पढ़ो मेरे बेटा बेटियों। तुम्हारा सिलेक्शन अगर होता है मेडिकल के लिए हो चाहे इंजीनियरिंग के लिए हो, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। इसके लिए कई योजना बनी है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ मेरे बहनों और भाइयों, हमारे बच्चों का सिलेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में हो सके, इसलिए पहले मेडिकल की पढ़ाई होती थी अंग्रेजी में। अपने बच्चे तो अंग्रेजी जानते नहीं है तो कई बार पीछे रह जाते थे। अब मध्य प्रदेश अपना ऐसा प्रदेश है जहां मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, हिंदी में, ताकि अपने बच्चे भी पढ़ सके। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं, ताकि अपने बच्चे भी पढ़ सके। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। आज गवर्नर साहब अपने बीच आए हैं अपना मार्गदर्शन करने, कई तरह के काम कर रहे हैं। अभी बेगा भाई बहनों के लिए गवर्नर साहब की पहल पे हमने योजना बनाई है कि वो 2 गाय या भैंस को रखेंगे और उस गाय और भैंस खरीदने में जितना पैसा लगेगा उनका 90% सरकार देगी और केवल 10% हमारे गाय और भैंस रखने वाले भाई या बहनों को दिए जाएंगे। विशेषकर विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा जैसी जातियों के लिए ये योजना प्रारंभ हो गई है। तो कई तरह के काम धंधे हम चालू करें, खेती हमारी उन्नत हो, किसान दीदियां उस क्षेत्र में काफी परिश्रम और मेहनत कर रही है तो बेहतर खेती करें। लेकिन खेती के अलावा हम दूसरे काम धंधों में भी आए। कल रोजगार दिवस था और रोजगार दिवस के दिन मैं था उमरिया में। देखो, एक तो मैं बच्चों को कहना चाहता हूं, 1,00,000 पदों पर सरकारी नौकरियों में भर्ती चालू है। 15 अगस्त तक 1,00,000 भर्ती पूरी कर देंगे, 2,00,000 के पूरे पद भरे जाएंगे, पूरे पद भरे जाएंगे। उसका अभियान हमारा निरंतर चल रहा है। दूसरे स्वरोजगार की योजना के अंतर्गत आजीविका मिशन की बहनों को भी और बच्चों को भी रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा। तीसरे मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना, ये बेरोजगारी दूर करने के लिए है। लेकिन और काम मिले इसलिए कृषि क्षेत्र में हम बहनों की हिस्सेदारी और बढ़ाएंगे। महिला किसान योजना के अंतर्गत कोदो कुटकी और श्रीअन्न के उत्पादक किसानों की बेहतरी के लिए डिंडौरी जिला पूरे प्रदेश का नेतृत्व करेगा। हमारी बेटियों और बहनों को भी इसके डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे लाया जाएगा। खेतों के लिए पानी, यह हम सबकी मांग है। मैं जनप्रतिनिधि मित्रों से कहना चाहता हूं, आम राय बनाए और इसलिए आपकी आम राय से ही जहां पानी रोका जा सकता है वहां बांध बना के और कोशिश यह करेंगे कि खेती की जमीन ना डूबे, हम सिंचाई का पानी भी देने का प्रयास करेंगे। अपने बच्चों को खेलकूद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने के अनेकों उपाय किए जाएंगे।
आज मुझे अनेकों ज्ञापन मिले। एक जमाना था जब डिंडोरी जिले में सड़कें नहीं थी, लेकिन अब सड़कों का जाल बिछड़ा है। जबलपुर अमरकंटक कबीर चबूतरा 220 किलोमीटर की सड़क 1200 करोड़ रुपए में बन रही है, काम चालू है। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की बात करेंगे। महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा का बड़ा बयान आया है। झीरम मामले में बचे लोगों का हो नार्को टेस्ट, कवासी लखमा और अमित जोगी का हो नार्को टेस्ट, सच्चाई सामने आनी चाहिए। छविंद्र कर्मा ने यह कहा है, बीजेपी ने अब तक सच सामने आने नहीं दिया। तो महेंद्र कर्मा के बेटे का ये बड़ा बयान आया है। नार्को टेस्ट की मांग उनके द्वारा की गई है। महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा का बयान आया, झीरम हमले में बचे लोगों का नार्को टेस्ट हो, उन्होंने कहा कवासी लखमा और अमित जोगी का नार्को टेस्ट हो, सच्चाई सामने आने चाहिए। बीजेपी ने अब तक सच सामने आने नहीं दिया है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए ममता हमारे साथ जुड़ गई है। ममता, झीरम कांड पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और नार्को टेस्ट की मांग लंबे वक्त से जो है होती आ रही थी, अब एक बार फिर छविंद्र वर्मा कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, जो लोग बच गए थे। बिल्कुल, देखिए छविंद्र कर्मा का ये जो बयान है वो काफी बड़ा बयान है और झीरम मामले को लेकर अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार, कांग्रेस ये कहते रही कि उस समय के जो लीडर्स हैं जो सरकार में थे उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, लेकिन अभी छविंद्र कर्मा का बयान आया और उन्होंने कहा कि उसमें जो भी लोग बचे थे उस घटना से, चाहे वो कवासी लखमा हो और चाहे जो दूसरे लोग हो, उनका जो है वो नार्को टेस्ट कराया जाए। और ये अपने आप में अगर हम बात करें तो झीरम की घटना को 10 साल हो गए और अमित जोगी जो है उनका भी नार्को टेस्ट करवाने के लिए कहा है। तो झीरम की घटना को लेकर 10 साल हो गए हैं और उसके बाद अभी भी अगर हम बात करें तो लगातार सियासत जारी है और अल्टीमेटली इसका सच क्या है ये सच नहीं सामने आ पाया है। चाहे जांच को लेकर बात करें, चाहे दूसरे बयानबाजों को अगर हम देखा जाए तो लगातार सियासत ही हो रही है। और ऐसे में अब छविंद्र कर्मा का ये बयान आया है कि जिधर में जो भी लोग बचे हुए हैं, चाहे वो कवासी लखमा हो, चाहे जोगी, उनका नार्को टेस्ट, क्या कुछ पहले ये सुना देते हैं दर्शकों को कि झीरम जैसी बड़ी घटना घटित हुई है। उस घटना में हमारे फादर शहीद हुए हैं, हमारे बड़े बड़े फ्रंट लेवल के लीडर शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए हैं, जो भी बच के आया है उनका नार्को होना चाहिए। मैंने ये बात को कहा था, आज भी मैं कायम हूँ, मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं क्लियरली बताता हूँ कि उस दौरान सभी लखमा जी का जैसे मैंने नाम लिया था, अजीत जोगी जी का मैंने नाम लिया था, अमित का लिया था, तो आज चलिए हमारे बीच में जोगी जी नहीं रहे, अजीत जोगी जी नहीं रहे, लेकिन अमित और लखमा जी तो है। हम ये जानना चाहते हैं भाई, नार्को हम आरोप नहीं लगा रहे, हम तो न्याय के लिए जानना चाहते हैं कि लखमा जी आप साथ में थे, अमित तुम उस दौरान पे तुम जंगलों में क्या कर रहे थे जब परिवर्तन यात्रा निकली थी। इसीलिए हम जानना चाहते हैं कि हमने खोया है वो ओपन तो हो कि इनकी क्या भूमिका है। और ममता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, लंबा वक्त बीत चुका है झीरम कांड को, पर सियासत जो है कम नहीं हो रही है। साफ तौर से मांग की जा रही है कि सच्चाई सामने आए। क्या लगता है, लंबे वक्त से ये मांग हो रही है, क्या इस पर अब कुछ सोचा जाएगा? ममता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पाया है, तो फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ा बयान महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने दिया है और नार्को टेस्ट की मांग उनके द्वारा की जा रही है। बड़ा बयान बता दें आपको, छविंद्र कर्मा ने ये बड़ा बयान दिया, झीरम हमले में बचे लोगों का नार्को टेस्ट हो, कवासी लखमा और अमित जोगी का नार्को टेस्ट हो, सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। बीजेपी ने अब तक सच सामने आने नहीं दिया है, ये बड़ा बयान छविंद्र कर्मा ने दिया है।
झीरम हमले में सियासत पूरी तरह से देखने को मिल रही है। लंबे वक्त से हम देखते आ रहे हैं नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है इस मामले में, पर लंबा वक्त बीत चुका है पर सियासत जो है जोर पकड़ रही है लगातार। भोपाल से बड़ी खबर है, डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने कॉटन छोड़ा है, डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही आई। प्रसूता का जनरल वार्ड में प्रसव किया गया, पुरुषों के सामने प्रसव कराया गया, पर राजधानी के कोलार सीएचसी का यह मामला आपको बता रहे हैं। प्रसूता का जनरल वार्ड में प्रसव कराया गया, पुरुषों के सामने प्रसव कराया गया, परिजनों का यह आरोप है। राजधानी के कोलार सीएचसी का यह मामला आपको बता रहे हैं। और एक बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, ग्वालियर में हर्ष फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया, जहां शादी समारोह के दौरान दनादन हर्ष फायरिंग की गई। ये ऐसे मामले हैं जो कम नहीं हो रहे, कारण बनते हैं कई लोगों की मौत का। कई ऐसे उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं जिन्हें न्यूज 18 भी दिखा चुका है, आप तक जानकारी पहुंचा चुका है, लेकिन उसके बाद भी शादी समारोह कोई खुशी का मौका हो, राइफल और बंदूक के लाइसेंसी बंदूक के लहराना लोग शान और शौकत समझते हैं, लेकिन लाइसेंसी राइफल से हर्ष फायरिंग किए जाने का ये मामला ग्वालियर से सामने आया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल बंदूक के साथ डीजे पर नाचता हुआ शख्स हर्ष फायर कर रहा है। प्रतिबंध होने के बावजूद शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हो रही है। अप्रैल में जिले में हर्ष फायरिंग से दो बच्चों की गोली लगने का मामला सामने आया था, जिसमें से एक बच्चे की मौत भी हो गई थी। एक बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है और ऐसे कई मामले हैं जो सामने आते ही नहीं हैं, लेकिन लोगों की शान और शौकत कम न हो, चाहे किसी की जान चली जाए। और अगली खबर मुरैना से, जहां रेत माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। दरअसल रेत माफिया जो कि धड़ल्ले से बेधड़क रेत का खनन कर रहे थे, पुलिस ने इन पर दबिश दी तो ये भागते नजर आए। फिल्म स्टाइल में गाड़ी को चेस करते हुए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर आगे आगे, पुलिस की जीप पीछे पीछे, करीब 4 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद इस ओवरलोड अवैध रेत से भरे हुए ट्रैक्टर को रोका गया। और आपको बता दें कि कोतवाली सिविल लाइन और स्टेशन रोड पर पुलिस ने कार्रवाई की, और कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है, कार्रवाई की जा रही है। और ग्वालियर में बदमाशों ने पिता पुत्र की जमकर पिटाई की, कारण आपको बताएंगे। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया ग्वालियर से, जहां पिता पुत्र को बदमाशों ने जमकर पीटा और इस मारपीट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई। देखिए, खुलेआम सड़क पर पिता पुत्र की पिटाई की गई। डबरा में पिता पुत्र को बदमाशों ने जमकर पीटा। सराफा बाजार का यह पूरा मामला है, जहां पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या कुछ कारण इसका रहेगा, अभी इस पर पुलिस ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। ये सराफा बाजार की तस्वीरें हैं, जहां पर खुलेआम पिता पुत्र को जमकर पीटा बदमाशों ने। कारण क्या था ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ग्वालियर के डबरा सराफा बाजार का ये पूरा प्रकरण, तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की तस्वीरें हैं जो हम तक पहुंचाई, और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहां ग्वालियर में पिता पुत्र को बदमाशों ने जमकर पीटा। कारण क्या था स्पष्ट नहीं हो पाया है, और कोई बीच बचाव करने भी नहीं आया, डर के चलते अपनी जान बचाकर सभी भागते नजर आए और पिता पुत्र को जमकर पीटा गया बीच बाजार। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। अपने बयान में उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि वे तो पुराने कोयले का इंजन की तरह हो गए हैं, अब उन्हें खड़े हो जाना चाहिए जैसे पुराने कोयले के इंजन खड़े हो गए हैं यार्ड्स में, अब ये बुजुर्ग हो चले, इनकी उम्र हो गई है। एक बार फिर से उम्र पर निशाना साधते, उम्र पर तंज कसते गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आए और कांग्रेस को भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बताया।
और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। डिंडौरी के बरगांव पहुंचे सीएम शिवराज और राज्यपाल मंगू भाई पटेल। जनजातीय कल्याण केंद्र में पौधारोपण और गौशाला का निरीक्षण। सल्की नदी पर घाट का किया लोकार्पण। एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता शिवम शुक्ला हुए बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय पर निशाना, बोले उनको बजरंग दल नजर आएगा गुंडा, जाकिर नायक लगेगा शांति दूत। ऊना सांसद केपी यादव का सिंधिया को लेकर वीडियो वायरल, बोले जिस पार्टी ने आपको दिया सम्मान, जिसका खा रहे आप, उसकी थाली में नहीं करना चाहिए छेद। केपी यादव के वायरल वीडियो पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार, कहा वो नहीं ले रहे किसी का काम। इसमें प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं। एमपी में डीके शिवकुमार, जयराम रमेश कांग्रेस के लिए मोर्चा संभालने पर गरमाई। सियासत मंत्री विश्वास सारंग बोले दिल्ली के नेतृत्व को एमपी कांग्रेस के नेताओं पर नहीं भरोसा, कांग्रेस कुछ भी कर ले लेकिन सरकार नहीं बना पाई। कमलनाथ का प्रदीप जायसवाल पर बड़ा बयान, विधायक जायसवाल की नहीं होगी कांग्रेस में एंट्री, कांग्रेस सरकार में जायसवाल थे मंत्री, वर्तमान में खनिज निगम के अध्यक्ष हैं जायसवाल। मंदसौर में पर्यावरण मंत्री पर संत गोशरण महाराज ने लगाए गंभीर आरोप, गौ तस्करी में सहयोग करने का लगाया आरोप, मंत्री पर आरोप का वीडियो हो रहा वायरल। एमपी में 10वीं 12वीं के रिजल्ट के दिन विपक्ष का बड़ा ऐलान, कांग्रेस लगाएगी सस्ती कोचिंग व्यवस्था, यूपीएससी एमपीपीएससी और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराने के लिए होगी व्यवस्था। भोपाल को मिली एक और ब्रिज की सौगात, सीधे रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाले भारत टॉकिस ओवर ब्रिज पर ट्रैफिक फिर हुआ शुरू, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया ब्रिज का निरीक्षण। मंडला में अल्प प्रवास पर गुरु भाई से मिलने पहुंचे पंडित हरेंद्र शास्त्री, देखने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, विश्राम के बाद जबलपुर हुए रवाना। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में इतना है।